संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को विकास की दृष्टि से बताया गया दमदार। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया में बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा विकास करेगा भारत। IRCTC की नई वेबसाइट से होगी सुपरफास्ट बुकिंग, एक मिनट में 10,000 रेल टिकटों की होगी बुकिंग। IT रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से राहत दी, IT R फाइल करने की तारीख 10 जनवरी बढ़ा दी। NPS में निवेश बंद करना हुआ आसान, अब ऑनलाइन एग्जिट कर सकेंगे सब्सक्राइबर्स। अगले साल से फ्यूल ऑन डिमांड सेवा शुरू कर सकती है रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम, 4 शहरों से चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। दुनिया भर में इस साल भारत घूमने के लिए सबसे ज्यादा बुकिंग, OU की सालाना रिपोर्ट में दावा, दिल्ली से सबसे ज्यादा बुकिंग। अनिल अंबानी की 3 कंपनियों को बैंकों ने फ्रॉड बताया, 3 कंपनियों पर नीरव मोदी माल्या ने कुल कर्जे से 10 गुना ज्यादा कर्ज लिया। चीन के अरबपति जोंग शान शान मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स बने। ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले 51% लोग कभी पेट्रोल डीजल की कार नहीं खरीदेंगे, सर्वे में किया गया दावा। ब्रिटेन की संसद ने ब्रेग्जिट डील को दी मंजूरी, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बताया ऐतिहासिक।